देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करा और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा तो देखो हम लोग ब्रांच स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने तुम लोग को जो इसका बेस है वो बताया था कि कैसे करके ब्रांच अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग जो हमें करना है वहां पर ब्रांच के तीन कैटेगरी वाइज अकाउंटिंग होगा। अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो कैसा होगा, और अगर फॉरेन ब्रांच है जो कि हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच पे हम लोगों को स्टॉक डेटर मेथड ये दोनों मेथड से करना पड़ेगा, और दोनों मेथड से ही आंसर सेम आता है, लेकिन दोनों मेथड हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो दोनों सीखना पड़ेगा। स्टॉक डेटर मेथड में कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस ये दो मेथड होता है। ठीक है, अच्छा आज हम लोग कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होता है, देखो हेड ऑफिस जो है सारे लेजर्स ब्रांच के मेंटेन करता है, और ये कुछ लेजर्स सेवन लेजर्स मैंने यहाँ पर लिखा था, ये सेवन लेजर्स ओपन करता है। ठीक है, और एंट्री मैंने बता दिया था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा एंट्री हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर देखो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो भी करते हो इस तरीके का एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ब्रांच अकाउंटिंग होगा तो इस तरीके का एंट्री होगा। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल एंट्री की तरह नहीं होता, जैसे स्टॉक सेंड कर रहा है ब्रांच, तो हम लोग ऐसे ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग ये मैंने समझाने के लिए बोला था, बट इस तरीके का तो नहीं होगा। ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंड टू ब्रांच ये अकाउंटिंग होगा, तो ये मैंने बताया था किस तरीके से होगा, उसी बेसिस पे आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन टू। अच्छा क्वेश्चन में क्या हमें बता देगा कौन से मेथड से करना है? हाँ क्वेश्चन में बता देगा लेकिन मेथड का नाम नहीं देगा, शायद हमें कोई हिंट्स दे दे या मेथड का नाम भी दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेथड का नाम नहीं देगा। अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, हमें खुद से पढ़ के दो चीज पहले आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन में। फर्स्ट की क्वेश्चन कौन से ब्रांच का है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का है कि डिपेंडेंट ब्रांच का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ब्रांच का है कि डिपेंडेंट ब्रांच का है। उसके बाद जो भी ब्रांच का हमें आंसर आया, ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है ये डिपेंडेंट है ये मेथड फॉलो करो, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट नहीं बोला जाता है तो क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हुआ रहता है जिससे हम लोग समझ पाए? बिल्कुल बोला हुआ रहता है, अभी तुम लोग भी मुझे बताना। ठीक है, जैसे ये देखो हम पहले इलास्ट्रेशन टू लिए हैं, तो जो भी क्वेश्चन है उसमें मैंने इलास्ट्रेशन टू इसीलिए लिया है क्योंकि जो मेथड सिखाना चाहते उस पे बेस्ड है। थोड़ा आगे पीछे इलास्ट्रेशन करेंगे, तुम लोग नोट डाउन करना, सारा ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड, इनवॉइस्ड का मतलब होता है सेंड करना, ठीक है, गुड्स टू दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। तो बॉम्बे ट्रेडर जो है मतलब वो है हेड ऑफिस, बॉम्बे में हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में अपने ब्रांच को गुड्स भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? कॉस्ट में। अब ये भी देना जरूरी होता है कि हमारा जो सेंडिंग प्रोसेस है वो एट कॉस्ट है कि इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वेयर मेड बाय द ब्रांच। बोल रहा है हेड ऑफिस ब्रांच का वहां पर जो भी एक्सपेंसेस होता है सारा हेड ऑफिस पे करता है, एक्सेप्ट जो है पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा, छोटा मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट का, लाइक स्टेशनरी प्रिंटिंग पोस्टेज। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का जो होता है, या फिर मान लो सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस या फिर कोई काटे, जिस तरीके का छोटा छोटा खर्चा को पेटी कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो ब्रांच खुद पे करता है। अच्छा ब्रांच कैसे पे कर सकता है? क्योंकि ब्रांच जब अपने वहां पर सेल करता है तो उसके पास पैसा आता है सेल करने से, उसी पैसे से वो ये छोटा छोटा खर्चा पे कर देता है। लेकिन ये छोटे खर्चे के अलावा जितना भी खर्चा है वो ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस पे करता है। ठीक है, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक ऑन द सेम डे। जो भी ब्रांच का कलेक्शन होता है, पैसा कलेक्ट होगा ना, सेल करेगा तो वहां पैसा तो कलेक्ट होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ब्रांच है तो बोल रहा है कि सेम डे ही उनको बैंक करने का मतलब है डिपॉजिट कर देना है किसी बैंक में टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, वहां पर जो भी बैंक है वहां पर
हेड ऑफिस के अकाउंट में वो सारे पैसे सेंड कर देने पड़ते हैं ब्रांच को हर रोज, ठीक है? तो हर रोज ब्रांच अपना जो भी कैश कलेक्शन होता है वो हेड ऑफिस को सेंड कर देता है। अब ये पूरा क्वेश्चन का इतना पैरा पढ़ के क्या लगा कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है कि डिपेंडेंट ब्रांच है, पहले ये बोल। बोलो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच डिपेंडेंट हाँ डिपेंडेंट ब्रांच है। क्यों डिपेंडेंट ब्रांच है? क्योंकि ये अपना सारा काम खुद नहीं कर रहा है। अगर सारा काम खुद करेगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ पेटी कैश एक्सपेंस पे करता है, इस बात पे इसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका सभी काम कौन देखभाल करता है? हेड ऑफिस करता है। इसीलिए ये जो है ये हम लोग का डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है? तो पहले ये देखो इन्फॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन में ऐसा, जो पढ़ के समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट ब्रांच है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, ये देखो बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का, ठीक है? ये सब है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? ये सभी बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्योंकि स्टॉक भी हम लोग का एसेट है, डेटर भी एसेट है, पेटी कैश भी एसेट है। पेटी कैश एक्सपेंस अलग चीज होता है, मतलब छोटे छोटे खर्चे, और पेटी कैश मतलब हमारे पास इतना पेटी कैश पड़ा हुआ है। पेटी कैश क्या होता है ना, ये छोटे मोटे खर्चे पे करने के लिए। एक्चुअली अगर कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें ना दो तरीके के अकाउंटेंट या कैशियर हो सकते हैं, एक होता है जूनियर कैशियर, एक होता है सीनियर कैशियर। तो सीनियर कैशियर या अकाउंटेंट क्या कर सकता है, जूनियर कैशियर या अकाउंटेंट को जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट दे सकता है कि आप ये पैसा रखो, बिजनेस में जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं आप इससे पे करना और मुझे इसका पूरा डिटेल्स देते जाना, ठीक है? इसको बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। ये तुम लोग 11 में या फिर मान लो जो है कि कभी अगर पढ़े हो, ठीक है? अगर नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो पेटी कैश का मतलब यही होता है कि अगर एक सीनियर पढ़े थे, हाँ पढ़ोगे, ठीक है? पढ़ना तो चाहिए, अगर मतलब अगर किसी ने 11 में पढ़ा है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो देखो यहाँ पर एक सीनियर कैशियर होता है, एक जूनियर कैशियर होता है, तो ठीक है। अब जूनियर कैशियर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई छोटा मोटा खर्चे का देखभाल आपको करना है, तो ये सीनियर कैशियर इसे हमेशा एक अमाउंट ऑफ कैश दे देता है और उससे उसको वो खर्चा चलाना पड़ता है। जैसे मान लो कि हर मंथ के, अब देखो मंथली भी दे सकता है, वीकली भी दे सकता है, क्वार्टरली भी दे सकता है। मान लो दे देता है 20,000 पर मंथ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लो किसी एक मंथ में सिर्फ जो है 18,000 का ही एक्सपेंसेस हुआ, पेटी एक्सपेंसेस, तो इसके पास 2,000 रह गया, जूनियर कैशियर के पास 2,000 रह गया। तो नेक्स्ट मंथ में जो सीनियर कैशियर है उसे 20,000 रिम्बर्स नहीं करेगा, उसे 18,000 ही रिम्बर्स करेगा। ये जो सिस्टम है ना इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम, ठीक है? तो ये लैंग्वेज तुम लोग को आगे मिलेगा भी, इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम। तो पेटी कैश का मतलब बेसिकली वही हुआ कि छोटे मोटे खर्चे पे करने के लिए जो बैलेंस हमारे पास होता है। अब बोल रहे गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब गुड्स तो हेड ऑफिस से आएगा ही क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। रिटर्न भी हुआ है हेड ऑफिस में, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, बैड डेट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंस, कैश रिसीट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर से सेम डेटा देखो जिसका ओपनिंग बैलेंस था, लाइक स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, ब्रांच अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है, जो कि डेटर मेथड में होता है। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में दे दिया, नॉर्मली अगर नहीं देगा तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? हमें यहाँ पर बोला है देखो ए ब्रांच अकाउंट बनाओ, तो ब्रांच अकाउंट जो है ना वो डेटर मेथड में बनता है। ये देखो अगर तुम लोगों ने लास्ट दिन वाला क्लास देखा है तो देखो यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने लिखवाया हुआ है। ये देखो यहाँ पर डेटर मेथड में हमें क्या बनाना पड़ता है, ब्रांच अकाउंट, ओनली ब्रांच अकाउंट, ठीक है? तो वो तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला भी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर ए है वो नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें ब्रांच स्टॉक बनाना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड, पता ही दिया है। पॉइंट बी में जो भी लेजर हमें बनाने के लिए बोला है वो इसीलिए बनाना है क्योंकि हम लोग को स्टॉक डेटर मेथड अडॉप्ट करना है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ब्रांच स्टॉक बनाओ तो समझ जाओ कि ब्रांच स्टॉक एंड डेटर
हाँ बोलो। मैम आप तो स्टॉक डेटर्स मेथड में 7 अकाउंट्स बनाने बोले थे, 7 लेजर्स बोले थे, इसमें से सिर्फ 3 या 4 ही लेजर बोल रहा है, तो उतना ही बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। नहीं क्यों बोल रहा हूँ, जितना बोला है उतना ही बनाएंगे, और बाकी अगर हमें कोई नेसेसरी होगा तो वर्किंग नोट बनाएंगे। तो मैम जैसे इस क्वेश्चन में तो चलिए तो सिंपल क्वेश्चन इसमें बता दिया कि ये अकाउंट बनाओ, अगर बोलेगा कि स्टॉक डेटर्स मेथड के अनुसार लेजर्स बनाओ तब तो तो 7 सात लेजर्स। बनाना पड़ेगा। हाँ सात ओके लेजर ही बनेंगे। अच्छा तो जहां पर जैसे बोलता है वैसे ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें जितना लेजर बोला है वो हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा, मेन सोल्यूशन का। बाकी किसी लेजर का अगर हमें जरूरत पड़ेगा, ये नहीं बनाएंगे तो हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो वो हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे। ठीक है। अच्छा अब ये सी पॉइंट भी हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा मेथड है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तीनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। जब हम लोग बाकी मेथड में जाएंगे और इस क्वेश्चन का ए और सी पॉइंट सॉल्व करेंगे तो तुम लोग देख सकते हो तब सेम आंसर आएगा। आज तो फिलहाल हम लोग जो है ब्रांच का स्टॉक डेटर मेथड करने वाले हैं तो वही करेंगे। तो हम लोग को मेन सॉल्यूशन में जो लेजर बनाने के लिए बोला है वो लेजर तुम लोग ड्रॉ कर लो, जैसे कि ब्रांच स्टॉक। क्वेश्चन नंबर टू हम लोग को बोला है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएल। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अच्छा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बाद ब्रांच पीएल। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस। ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, बाकी अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बना सकते हैं। और वैसे भी 7 लेजर्स तभी बनता है जब हम लोग का इनवॉइस वाला क्वेश्चन होता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। अगर हम लोग का इनवॉइस वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो उसमें से ये वाला लेजर हट जाता है, तब ओनली 6 लेजर ही बनेगा। ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट तभी बनेगा अगर हम लोग का इनवॉइस, भाई आज दोनों पॉइंट ही बता देंगे मेन। अच्छा अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देख के अकाउंट में पुट करना है, जैसे कि स्टॉक डेटर और पेटी कैश, ये तीन का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस हर एक लेजर के ओपनिंग में लिखना है, जैसे स्टॉक का 2 बैलेंस BD 7000, 2 बैलेंस BD भी लिख सकते हो, 2 ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, जैसा तुम लोग लिखना चाहो। 2 बैलेंस BD और ऐसे हाइफन देके ओपनिंग स्टॉक ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है जैसा लिखना चाहो। डेटर 12,600, तो डेटर यहाँ पर 2 बैलेंस BD 12,600। अच्छा पेटी कैश, पेटी कैश का हमें लेजर नहीं बोला है लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, तो मे भी हमें इसका जरूरत पड़ सकता है, तो हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे जिसमें बनाएंगे पेटी कैश। ठीक है। और देखते हैं कि इसका हमें कोई जरूरत पड़ेगा कि नहीं, लेकिन है तो इंफॉर्मेशन अब एक बार बना लेते हैं, अगर जरूरत हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्लोज कर देंगे जो भी लिखना होगा लिख के। 2 बैलेंस BD पेटी कैश जो है ये हो गया हम लोग का 200। ये वर्किंग नोट में लिख दिया क्योंकि इसका हमें मेन सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, बोला नहीं इसका लेजर दिखाने। अच्छा गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, अच्छा गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस इसका क्या एंट्री होगा वो देखना है। ठीक है। तो अगर गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस है, जैसे मैंने सिखाया था हम एक बार बता देते हैं,
यहाँ पर देखो हेड ऑफिस क्या कर रहा है, खुद का अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है ओन, और एक जो है ब्रांच का भी मेंटेन कर रहा है। तो खुद के ट्रेडिंग को ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा और ब्रांच के ट्रेडिंग को ब्रांच ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। अब अगर गुड सेंट हो रहा है तो इसके यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये हेड ऑफिस के यहाँ से ब्रांच में जाएगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ से स्टॉक क्या हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पर स्टॉक क्या हो जाएगा डेबिट। मतलब मैंने जैसे सिखाया था वैसे एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। तो मेरा एंट्री होना चाहिए ब्रांच ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऐसा एंट्री होना चाहिए ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार देख लो जो लास्ट दिन मैंने सिखाया था वही वाला बता रहे हैं, ये देखो एंट्री होना चाहिए ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। ये देखो तुम लोग को भी अपने कॉपी में दिखना चाहिए ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग को मुझे रिप्लेस करना है ब्रांच स्टॉक से, ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कोई अकाउंट यूज नहीं होगा। ब्रांच ट्रेडिंग को ब्रांच स्टॉक से रिप्लेस करना है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग को टू गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो मेरा ये ब्रांच ट्रेडिंग के जगह लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक। तो मेरा एंट्री हो जाएगा ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। अब जो भी लेजर मेरे पास अवेलेबल है उसमें मुझे इसे पोस्ट कर देना है। अब ये धीरे धीरे तुम लोग को याद कर लेना होगा, आदत कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसे करके तो करना पॉसिबल नहीं होगा और एग्जाम में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली होता है। तो ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अमाउंट है हम लोग का 26,000। अच्छा, और गुड सेंड टू ब्रांच अगर हम लोग का कोई सॉरी 26 नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ओ नहीं ठीक ही है, करेक्ट है, हाँ 26,000 ही। अच्छा, अब गुड सेंड टू ब्रांच बोल के हम लोगों ने कोई लेजर मेंटेन नहीं किया है यहाँ पर, तो क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। अगर मेंटेन करते तो क्रॉस पोस्टिंग भी करना पड़ता, ठीक है, बस इसी में पोस्ट हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है गुड्स, कौन कर रहा है ब्रांच कर रहा है। जब लिया जो एंट्री होगा रिटर्न करने पे जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगा, सोच के देखो। जब ले रहा है तो यहाँ पर देखो इसको भी समझ लो, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग, ठीक है, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग और ब्रांच का ट्रेडिंग, ठीक है। अब अगर रिटर्न हो रहा है तो ब्रांच ब्रांच के पास से इधर आएगा, मतलब इनका क्रेडिट होगा इनका डेबिट होगा, मतलब बेसिकली टू ब्रांच ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। और हेड ऑफिस ट्रेडिंग जो है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह लिखना पड़ता है गुड सेंड टू ब्रांच, और इसके जगह लिखना पड़ता है टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो मेरा एंट्री क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट वाला, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो मुझे कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, मेरे पास तो ब्रांच स्टॉक ही है, गुड सेंड टू ब्रांच तो है नहीं। तो जैसे इधर टू गुड सेंड टू ब्रांच हुआ, जस्ट इधर हो जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न। चाहो तो ऐसे समझने के लिए रिटर्न लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1,000, ठीक है, ये हम लोग का 1,000 था, हो गया। अच्छा, अब अगर कैश सेल हुआ तो एंट्री क्या होगा, तो देखो कैश सेल होने से नॉर्मल एंट्री होता है कैश टू सेल। अब हेड ऑफिस कैसे एंट्री करेगा कैश टू सेल का, देखो कैश सेल होने से एंट्री ऐसे होगा, ये देखो यहाँ पर है ब्रांच कैश, ठीक है, ब्रांच के यहाँ पर क्या मेंटेन हो रहा है ब्रांच कैश। मैंने ब्रांच कैश ही क्यों लिखा, देखो क्योंकि कैश सेल कहाँ हो रहा है ब्रांच अकाउंट में हो रहा है, तो ब्रांच अकाउंट में ब्रांच कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है। और ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट था ना, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट था ब्रांच के यहाँ पर, जो ट्रेडिंग अकाउंट था क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ब्रांच में हो रहा है, तो एंट्री कैसे करेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक चला गया, ठीक है, तो स्टॉक को क्रेडिट कर देगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट और ब्रांच कैश को डेबिट करेगा। ये देखो ब्रांच कैश टू ट्रेडिंग करेगा, ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग बोल के तो कुछ नहीं होता है, ब्रांच ट्रेडिंग के जगह होगा ब्रांच स्टॉक, देखो लिखा हुआ है। तुम लोग अगर एंट्री देखोगे, मैंने मैक्सिमम सारी एंट्रीज ही लिखवाने का कोशिश किया जो हो सकता है। ये देखो यहाँ पर ब्रांच सोल्ड गुड्स टू इट्स कस्टमर, तो ये देखो ब्रांच ने अगर अपने कस्टमर को बेच दिया स्टॉक, वही वाला है ना कैश सेल किया, तो ये देखो क्या एंट्री होगा, ब्रांच कैश या फिर ब्रांच डेटर अगर क्रेडिट में हुआ, तो ये तो कैश सेल है, तो ब्रांच कैश
टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग के जगह हमें लिखना है ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ट्रेडिंग के जगह हमें लिखना है ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच कैश, ठीक है, ब्रांच स्टॉक में फिर हमारा क्रॉस पोस्टिंग क्या हो जाएगा, बाई ब्रांच कैश, बाई ब्रांच कैश अकाउंट, ये कैश सेल का एंट्री है, 17,500, ये देखो 17,500 क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा, सेम यही एंट्री होगा, लेकिन ब्रांच कैश के जगह क्या होगा, ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, कैसा भी सेल करो स्टॉक तो कम होना ही है, तो अगर ब्रांच कैश तब होता है जब कैश सेल हुआ, तो इसका मतलब जब क्रेडिट सेल होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच डेटर, ठीक है, ब्रांच डेटर, ये हो गया क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल। अच्छा, क्रेडिट सेल जो है वो हम लोग का कितना है देख लेते हैं, 28,400, तो यहां पर मैंने लिख दिया 28,400। अच्छा, अब क्या कोई क्रॉस पोस्टिंग होने वाला है, हाँ देखो ब्रांच कैश था क्या, मैंने चेक नहीं किया, नहीं ब्रांच कैश हम लोग का नहीं था, ब्रांच डेटर था, हाँ ब्रांच डेटर तो है, तो ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा, ब्रांच डेटर में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, क्रॉस पोस्टिंग टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा हम लोग का 28,400, ठीक है। अलाउंस टू कस्टमर, अलाउंस टू कस्टमर मतलब कस्टमर को डिस्काउंट देने का बात हो रहा है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो देखो नॉर्मल एंट्री डिस्काउंट देने का क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता है, नॉर्मल एंट्री बता रहे बिजनेस में, ठीक है, लेकिन ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस वाला है, तो ब्रांच ने अपने कस्टमर को जो है डिस्काउंट दिया है, जिसका एंट्री हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस भी डिस्काउंट अलाउड या अलाउंस जो भी लिखो टू डेटर के जगह उसको लिखना चाहिए ब्रांच डेटर, बस यही हमारा डिफरेंस होगा इस एंट्री में, और तो कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा एंट्री मैंने नहीं लिखवाया, हर एक एंट्री तो लिखना पॉसिबल नहीं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन मेन मेन चीज तो हम लोगों ने कंसेप्ट तो समझ लिया है ना कैसे करके होगा, तो उसी बेसिस पे हम बता रहे हैं। देखो अगर हम लोग का नॉर्मली सोच के देखो, अगर हम लोगों ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, यहाँ पर ब्रांच अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ब्रांच डेटर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड, तो ब्रांच डेटर ये रहा, ब्रांच डेटर इसमें हम लोग लिखेंगे बाय, अलाउंस भी लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, या डिस्काउंट अलाउड भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, बाई अलाउंस बोल के यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है। अब इसका तो कोई क्रॉस पोस्टिंग, हाँ देखो एक तो पोस्टिंग हमारा जो है पीएल में जा सकता है, ठीक है, देखो क्रॉस पोस्टिंग नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज करना, जैसे देखो नॉर्मल हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं ना, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, फिर उस डिस्काउंट अलाउड को हर नॉमिनल अकाउंट कहाँ क्लोज होता है, ट्रेडिंग पीएल में, फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना पीएल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ऐसे करके क्लोज कर देते हैं ईयर एंड में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अलाउंस तो दे दिया, अब इस अलाउंस का अगर हमें क्लोजिंग एंट्री पास करना है तो हम लोग लिखेंगे ब्रांच पीएल, ठीक है, ब्रांच पीएल, क्योंकि इसमें पीएल बनाने बोला है तो हम ये वाला एंट्री भी बता रहे, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड या फिर अलाउंस, तो ब्रांच पीएल में हमें लिखना पड़ेगा टू अलाउंस बोल के, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू अलाउंस, सेम तरीके से देखो बोल रहा है कि डिस्काउंट टू कस्टमर, तो ये सेम एंट्री होगा, बस अलाउंस के जगह लैंग्वेज डिस्काउंट यूज करना है और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, डिस्काउंट मतलब जो है देखो कितना 1400 बोला है, ठीक है, तो डिस्काउंट टू कस्टमर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देने से डेटर कम होगा, तो बाय क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाय हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 1400, और ये डिस्काउंट कहां क्लोज होगा, पीएल में, तो पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट, फोर्टीन हंड्रेड। अच्छा, फिर उसके बाद
देखो इधर का सारा कंप्लीट हो गया। बैड डेट, बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट का नॉर्मल एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा बैड डेट टू ब्रांच डेटर, ऐसे एंट्री होना चाहिए, बैड डेट टू ब्रांच डेटर। फिर ये बैड डेट कहाँ क्लोज होता है? पीएल में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पीएल टू बैड डेट। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ब्रांच पीएल टू बैड डेट, ब्रांच पीएल टू बैड डेट। तो ये हमें ये दो एंट्री को पोस्ट करना चाहिए। तो एक तो हमारा पोस्ट होगा डेटर ब्रांच डेटर में बाई बैड डेट, बाई बैड डेट 600, और यहां पर लिखेंगे टू बैड डेट 600। ठीक है, टू बैड डेट 600। अच्छा, फिर बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया, किसका कस्टमर? ब्रांच का कस्टमर। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? तो देखो अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो एंट्री हम लोग का ऐसा होना चाहिए, डेटर कम हो जाता है, हम लोग नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं जब सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न टू डेटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं रिटर्न या सेल्स रिटर्न, जो भी लिखो टू लिखेंगे ब्रांच डेटर। ठीक है, टू लिखेंगे ब्रांच डेटर। और सेल्स रिटर्न हम लोग कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग में, जैसे देखो बैड डेट अलाउंस ये सब हम लोग पीएल में दिखाते हैं, और जो सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न ये सब ट्रेडिंग में दिखाते हैं। लेकिन हमारे पास ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के तरह ट्रीट करने वाला जो अकाउंट है वो है हमारा ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक ही तो हमारा ट्रेडिंग के तरह ट्रीट हो रहा है। देखो ना, जैसे ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, तो ये परचेज की जगह इनको हेड ऑफिस ने दिया है। फिर देखो रिटर्न हो गया, मतलब जब हम लोग, ये परचेज रिटर्न के तरह है, देखो ना ये हेड ऑफिस से आया, हेड ऑफिस को रिटर्न किया, फिर सेल कर दिया, कैश सेल क्रेडिट सेल। तो ये तो पूरा ही जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के तरह है। ठीक है, तो हम लोगों का अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सबसे पहले डेटर कम होगा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाई रिटर्न या सेल्स रिटर्न, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बाई रिटर्न अमाउंट है हम लोगों का 500, और यही वाला रिटर्न ब्रांच स्टॉक में जाएगा, तो कहां पर लिखेंगे, इससे लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर लेस करके लिख देते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग नॉर्मली लेस करके दिखाते हैं ना, वैसे यहां पर लेस करके दिखाएंगे, रिटर्न हो जाएगा 500। तो इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बैलेंस कितना आएगा, 500 माइनस करना पड़ेगा 28,400 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 27,900, 27,900। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एडजस्ट करना था, तो अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो तुम लोग ऐसे करके आउटर में नहीं लिख पा रहे हो, तो इसके नीचे लिख दो। ठीक है, इसके नीचे लिख दो तो भी हो जाएगा, और जब ऐड करोगे ना, ये देखो मेरा तो हम मिटा के लिख सकते हैं, मेरा इश्यूज नहीं है। तुम लोग अगर नहीं मिटा पा रहे हो ना, मतलब काटने का जरूरत नहीं है, रहने दो। ठीक है, 17,500। ठीक है, ये ऐसे होगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये 27,900 हो गया, रिटर्न हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल प्रोसेस ही है, बस ब्रांच हेड ऑफिस है तो उस हिसाब से हो रहा है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस का एंट्री क्या होगा? सैलरी एंड वेजेस कौन पे कर रहा होगा? हेड ऑफिस ब्रांच के भी आप में, क्योंकि ब्रांच तो सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस पे करता है, तो सैलरी वेजेस का एंट्री क्या होना चाहिए? देखो सैलरी वेजेस का एंट्री ऐसे होगा, ब्रांच का एक्सपेंसेस है तो एंट्री ऐसे होगा ना, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हो जाएगा कैश। ठीक है, अब ब्रांच एक्सपेंस क्या है? सैलरी एंड वेजेस है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, मतलब हम लोग इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, लाइक सैलरी एंड वेजेस टू कैश। ठीक है, फिर रेंट एंड रेट्स टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। ठीक है, इसके जगह ब्रांच एक्सपेंसेस हाइफिन देके सैलरी वेजेस रेंट रेट्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस और टू कैश बोल के हम लोग ये तीनों का सेम तरीके का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी खर्चे बाद में जाके पीएल में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम ब्रांच एक्सपेंस में दिखाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में ऐसे लिखेंगे, यहां पर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर सैलरी
एंड वेजेस. देखो एक्सपेंस क्या है, सैलरी वेजेस, क्योंकि अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट बनाने हमें नहीं बोला है, तो फिर तो हमारा कितना सारा अकाउंट बनेगा. अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं सैलरी एंड वेजेस टू कैश, तो एक तो सैलरी वेजेस अकाउंट बनेगा, एक रेंट रेट्स बनेगा, एक सन्ट्री एक्सपेंस. उसकी जगह बोल रहा है सारे एक्सपेंसेस को एक ही जगह पे दिखा दो, तो हम लोग वो कैसे दिखा सकते हैं? फिर ऐसे लिखना पड़ेगा टू कैश सैलरी एंड वेजेस, टू रेंट, टू कैश रेंट एंड रेट्स. मतलब एक ही बार में ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश लिख दिया और जो नैरेशन है वहां पर लिख दिया किस किस चीज का खर्चा है. तो इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे. तो यहाँ पर टू सन्ड्री एक्सपेंस, हमें इंडिविजुअली एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाने बोला है, तो ऐसे करेंगे फिर. ठीक है, 6,200, 1,200 और एक है हम लोग का 800, हो गया. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और क्या है. फिर बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर से कैश मिला है. तो डेटर से कैश मिला है किसको मिला है, ब्रांच को मिला है. तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट. जैसे नॉर्मल एंट्री होता है कैश टू डेटर, यहां पर होगा ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर. ठीक है, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर. तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच कैश. ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसे थोड़ा सा याद कर करके अपने आप बोल बोल के लिखोगे तो चीज पूरा गो थ्रू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ब्रांच कैश, डेटर से अमाउंट मिला है 28,500. ठीक है, और इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई अवेलेबिलिटी है नहीं इन लोग के पास. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस स्टॉक का 6,500, तो स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस सीटी 6,500. अच्छा, 9,800 डेटर, 1,000 होता है ओपनिंग डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में जाता है. और पेटी कैश 100, पेटी कैश मैंने रफली बनाया था क्योंकि क्वेश्चन में हमें बनाने नहीं बोला था. ठीक है, पेटी कैश 100. ठीक है, अच्छा तो सारा चीज पोस्ट हो गया. अब है हम लोग का क्लोज करने का टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट में जो बना हुआ है ना, इसको हमें क्लोज कर लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये तो मैं बनाने नहीं बोला था, तो देखते हैं ये जो बनाया है इससे क्या बेनिफिट हो सकता है. तो देखो इसका मतलब है हमारे पास पेटी कैश था 200, लेकिन एंड में हमारे पास पेटी कैश बचा है ओनली 100. तो बाकी 100 कहाँ चला गया होगा बोलो. पेटी कैश मतलब वो पैसा जो सीनियर कैशियर ने जूनियर कैशियर को दिया था पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए. 200 स्टार्टिंग में था, अभी हाथ में 100 रुपए बचा हुआ है, तो बैलेंस तो 100 आ रहा है, वो पता है, बाई साइड है तो बाई लिख देंगे. लेकिन किस चीज का बैलेंस आ रहा है हाँ, ये बैलेंस आया है ब्रांच एक्सपेंसेस का. क्यों ऐसा एंट्री होगा, क्योंकि देखो हमें बोल दिया था क्वेश्चन में कि पेटी एक्सपेंसेस जो है ब्रांच खुद पे करता है. मतलब ये 100 रुपए कम कैसे हो गया, तो खर्चा पे क्या है, ये पैसा तो दिया गया ही था खर्चा पे करने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब 200 रुपए था, उसमें अभी 100 ही बचा, मतलब 100 रुपए खर्चा हो गया. क्यों खर्चा हुआ, इससे ब्रांच अपना छोटा छोटा खर्चा पे करता है. तो एक्सपेंस टू कैश, अगर हम लोग एक्सपेंस पे करते एक्सपेंस टू कैश, तो एंट्री ब्रांच एक्सपेंस, एक्सपेंस के जगह ब्रांच एक्सपेंस और कैश के जगह पेटी कैश. ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस और कैश के जगह पेटी कैश. तो जैसे ये ब्रांच एक्सपेंस आया, देखो यहाँ बन जाएगा इसका क्रॉस पोस्टिंग. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो टू पेटी कैश. ये हो गया हम लोग का 100. ठीक है, अच्छा अब हमें एक एक अकाउंट को क्लोज कर लेना चाहिए. अच्छा, सारे एक्सपेंसेस कहाँ क्लोज होते हैं, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएल में. तो यहाँ तो ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग के जगह ब्रांच स्टॉक है. तो सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, पेटी कैश, ये सब पीएल का आइटम है. मतलब इसको जब हम लोग क्लोज करके बाई साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच पीएल बोल के. ठीक है, और फिर ये पीएल में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 + 1,000 7,000 और ये हो गया 8,300. अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, ब्रांच पीएल में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 8,300.
टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 8,300, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा क्लोज करना चाहिए, ब्रांच डेटर देख लेते हैं। चलो ब्रांच डेटर, अच्छा एक सीक्वेंस भी बता देते हैं, चलो एक सीक्वेंस भी बता देते हैं कि कौन सा पहले क्लोज होना चाहिए। देखो हम यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्लोज करना चाहिए जब हमारा सेवन लेजर्स होता है एटलीस्ट, तब तो ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्लोज करो ब्रांच डेटर, उसके बाद क्लोज करना चाहिए ब्रांच स्टॉक को, ठीक है। ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांच कैश अगर है तो, ठीक है। मैंने जो है सारा ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ब्रांच कैश, उसके बाद अगर ब्रांच एडजस्टमेंट हुआ तो वो क्लोज होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे ब्रांच पीएल क्लोज होना चाहिए, और सिक्स्थ नंबर पे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना डेटर क्लोज करना चाहिए हमें। इस सीक्वेंस में क्लोज करेंगे तो हमारा जो है बैलेंस जो है जो मिलेगा वो हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, और इसी सीक्वेंस में हमें क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले वैसे पेटी कैश करवा दिया यहाँ पर, वो बात अलग है। ब्रांच एक्सपेंस जो है यहाँ लिखा हुआ नहीं है सीक्वेंस में, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस में मैंने ब्रांच एक्सपेंसेस को लिखा नहीं है, ये हमारा क्लोज होना चाहिए ब्रांच पीएल के पहले, ठीक है। यहाँ पर लिख दे ब्रांच एक्सपेंस, ये होना चाहिए। नॉर्मली ना एक्सपेंस अकाउंट उतना मांग नहीं रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मांगा, ये एकदम बेसिक सा है बोल के। नॉर्मली हमें ब्रांच एक्सपेंस नहीं मांगता है, डायरेक्ट पीएल ही मांगता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देखोगे तुम लोग देखना, ब्रांच एक्सपेंस करना उतना नेसेसरी नहीं होता। क्यों नहीं होता हम बताते, क्योंकि एक्सपेंस से जो टोटल है वो तो पीएल में ही जाता है, इसलिए उतना जरूरी नहीं होता है। नॉर्मली जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग देख सकते हैं, उसमें ना हमारा ब्रांच एक्सपेंस उतना क्लोज करने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिख दिया। चलो अभी तो मैंने देखो ब्रांच एक्सपेंसेस के बाद ब्रांच पीएल में ये ट्रांसफर ही किया है, क्लोज मैंने एक ही किया था पेटी कैश, और उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस को किया है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस बता दिया, अभी मैंने ये कर दिया सो कर दिया। अभी देखो तुम लोग सबसे पहले ये सीक्वेंस में चलो, सबसे पहले ब्रांच डेटर को क्लोज कर दो अभी, ठीक है। अब देखते हैं डेटर में क्या है, 12,600 प्लस हो जाएगा 28,400, तो ये हो गया 41,000, और इधर माइनस 200, माइनस 1400, माइनस 600, माइनस 500, माइनस 28,500, और माइनस 9,800, कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। बैलेंस नहीं आया तो बच गया, नहीं तो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। बैलेंस कुछ भी नहीं आया, मतलब डेटर अकाउंट हमारा टैली हो गया। डेटर में सारे डिटेल्स लिखे हुए, वैसे देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस कितना, इस साल हम लोगों ने सेल किया कितना, अलाउंस हुआ, डिस्काउंट हुआ, बैड डेट हुआ, रिटर्न हुआ, कितना कैश रिसीव्ड हुआ, और कितना अभी भी रिसीव करना बाकी है। इसके बाद ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना है, चलो ब्रांच स्टॉक को ही क्लोज करेंगे, इसको मैंने नहीं किया था अभी तक, तो स्टॉक को क्लोज करेंगे। ये ट्रेडिंग के तरह है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया, 18,500 प्लस 27,900 प्लस 6,500, तो ये हो गया 25,700, ठीक है। नहीं इतना कम कैसे, 27,900 तो ये खुद है, 52,900 माइनस 26,000 माइनस 7,000, 19,900 टू यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 52,900। अच्छा 19,900 तो आ रहा है, लेकिन इसको लिखे क्या, इसको क्या लिखना चाहिए। तो ये तो मेरा ट्रेडिंग के तरह है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ना ट्रेडिंग में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक के तरह हो गया। ये परचेज है, तो परचेज हम लोग मार्केट से नहीं कर रहे, हेड ऑफिस दे रहा है। ये रिटर्न हो गया, ये परचेज रिटर्न है बेसिकली बोल सकते हो, अगर ट्रेडिंग के साथ टैली करवा के बोले। ये दोनों है मेरा बाय सेल्स, ठीक है, बाय सेल्स, ठीक है, और ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखो ये
ये मेरा कॉस्ट में है, ये भी मेरा कॉस्ट में है, ये भी मेरा कॉस्ट में है, ये भी मेरा कॉस्ट में, ये मेरा सेल्स वैल्यू में रहता है, इसी का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट दिखाएंगे और यहाँ पर प्रॉफिट का जो मतलब एंट्री है, जो एंट्री करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू ब्रांच पीएल यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नॉर्मली देखो हम लोग जो ट्रेडिंग में टू जीपी लिखते हैं ना, फिर उसको तो ट्रांसफर करते हैं बाई जीपी बोल के, एक्चुअली ट्रेडिंग में भी हमें ऐसे ही लिखना चाहिए टू पीएल जीपी बोल के, ठीक है, लेकिन उतना तो हम लोग लिखते नहीं है डिटेल्स में, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे टू ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तब जाके ये ब्रांच पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे हमारे पीएल में जीपी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, देखो हम लोग नॉर्मली बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के जो है ट्रांसफर करते हैं, फाइनल अकाउंट जब करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, बाई ट्रेडिंग हाइफ़न देके ग्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस पोस्टिंग तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग उतना तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक क्रॉस पोस्टिंग जैसे होता है हाइफ़न देके ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 19,900 ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ये सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये सब एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, यहां पर प्रॉफिट ही आएगा 19,900 माइनस 200 माइनस 2000, ये दोनों मिला के माइनस 8300 9400 9400 जो है इसमें हम लोग का पीएल मतलब नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। और ये देखो सारे अकाउंट हमारे क्लोज हो गए, पहले ब्रांच डेटर, ठीक है, सीक्वेंस देख लो, पहले ब्रांच डेटर फिर ब्रांच स्टॉक, तो मैंने ये पहले जरूर क्लोज कर दिया था लेकिन उसके बाद पूरा सीक्वेंस मेंटेन हुआ, ब्रांच डेटर क्लोज किया, फिर ब्रांच स्टॉक क्लोज किया, ब्रांच कैश स्थानीय क्वेश्चन में ब्रांच एडजस्टमेंट भी नहीं था, ब्रांच एक्सपेंस उसके बाद क्लोज होना था, ठीक है, उसके बाद ब्रांच पीएल, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस फिर ब्रांच पीएल, ये तो एक छोटा सा अकाउंट था जो सिक्वेंस में नहीं आएगा, सिक्वेंस में तो वही सेवन लेजर्स ही आएंगे, ये सब तो छोटा मोटा अकाउंट है, अगर इसमें से कोई बैलेंस निकल के आता है जहां ट्रांसफर होना है वो तो हमें खुद समझ के करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने स्टॉक ट्रेडर मेथड का पहला क्वेश्चन कर लिया और ये हम लोग का कॉस्ट मेथड में था, मतलब जब हेड ऑफिस अपना स्टॉक कॉस्ट प्राइस में ब्रांच को सेंड करता है, ठीक है, और अगर इनवॉइस में करेगा तब क्या होगा, अगर इनवॉइस में करेगा तो थोड़ा अलग प्रोसेस होगा, देखो क्योंकि उसका एंट्री भी मैंने तुम लोग को बताया था, इनवॉइस में क्यों भेजता है, क्योंकि हेड ऑफिस अपना एक्चुअल प्रॉफिट रिवील नहीं करना चाहता है ब्रांच को, और रिवील करने से ब्रांच अपना एफर्ट भी कम लगाता है, ये मैंने डिटेल्स में तुम लोग को समझाया था। तो यहाँ पर मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट का भी एंट्री करना पड़ेगा जो लोडिंग या प्रॉफिट लगा के हेड ऑफिस ब्रांच को अपना स्टॉक भेज रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन टू हम लोग बाद में फिर एक बार करेंगे जब हमारा डेटर मेथड और ये जो है फाइनल अकाउंट्स मेथड जब हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, अभी तो इतना ही करते हैं। अच्छा अब हम लोग कौन सा वाला करेंगे, इलास्ट्रेशन 3A बोल रहा है, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट 20% अबव कॉस्ट, बोल रहा है कि हैरिसन ऑफ चेन्नई का एक ब्रांच है न्यू दिल्ली में, मतलब चेन्नई में है हेड ऑफिस, न्यू दिल्ली में है ब्रांच, तो इस ब्रांच को ये गुड्स भेजता है 20% अबव द कॉस्ट, मतलब अगर 100 रुपीज का गुड्स परचेज करता है तो उसपे 20 रुपीज का प्रॉफिट या लोडिंग लगा के 120 में सेल्ड करता है। The branch makes both cash and credit sale. Branch cash sale भी करता है, credit sale भी करता है. Branch expenses are made partly from head office and partly by the branch. तो branch का जो भी expenses होता है, वो कुछ तो head office pay करता है, कुछ जो है वो branch खुद pay करता है. The statement of expenses incurred by branch every month is sent to the head office for recording. जो भी expenses होता है ब्रांच में हर मंथ में ब्रांच को अपने हेड ऑफिस को उसका पूरा डिटेल्स स्टेटमेंट सेंड करना होता है, ठीक है। तो बोलो यहाँ पढ़ के क्या लग रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच की इंडिपेंडेंट ब्रांच, यहाँ तक पढ़ के क्या लगा, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ब्रांच है क्योंकि क्योंकि ब्रांच जो है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस देता है हेड ऑफिस को रिकॉर्डिंग के लिए, इसका मतलब ब्रांच खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है,
इसलिए डिपेंड। हाँ देखो अकाउंट्स पूरा जो है हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा, वो बस इतना सा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, सेल तो देखो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ब्रांच ओपन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ बोला है अगर कुछ एक्सपेंसेस जो है बोला है ब्रांच को पे करने के लिए, बता दिया है कि कुछ एक्सपेंसेस तुम पे कर देना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन दिया होगा, देखते हैं। हाँ बोल रहा है कि फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001 कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। अच्छा देखो ये कॉस्ट वैल्यू पे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स भेजा गया है वो उसका कॉस्ट 2 लाख है, लेकिन कॉस्ट पे तो नहीं दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, 20% अबव कॉस्ट, मतलब इस पे 20% लगाने से जितना आएगा ब्रांच को उतने में दिया गया है, मतलब 2 लाख इंटू 20% 40,000, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअली जो इनवॉइस प्राइस बोलते हैं इसको, वो हो गया है 2,40,000। मतलब देखो हेड ऑफिस को पता है जो स्टॉक भेज रहा है उसका एक्चुअली कॉस्ट 2 लाख है, लेकिन ब्रांच को जब दिया जा रहा है तो 2,40,000 में दिया जा रहा है, तो इसका एंट्री कैसे होना चाहिए। तो देखो जब गुड सेंड होता है तो याद करो एक तरफ ब्रांच का ट्रेडिंग, एक तरफ हेड ऑफिस का ट्रेडिंग, तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट हो जाएगा, तो टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग होना चाहिए, और ब्रांच रिसीव कर रहा है तो ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रांच का ट्रेडिंग कितने से डेबिट होगा, ब्रांच बोलेगा मेरे पास तो 2,40,000 का चीज आया, क्योंकि उसको जो इनवॉइस मिलेगा वो उसमें 2,40,000 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हेड ऑफिस बोलेगा मुझे तो पता है ये 2 लाख का है, हम तो 2 लाख से एंट्री करेंगे, तो इसका मतलब बाकी 40,000 कहाँ जाएगा, बाकी 40,000 जो है ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो अनरियलाइज है, ऐसे करके मैंने बताया था इसको, हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट 40,000 बोल के, लेकिन एक्चुअली ये सब लैंग्वेज से हमारा एंट्री नहीं होता है। ब्रांच ट्रेडिंग के जगह हम लोग लिखते हैं ब्रांच स्टॉक, ठीक है। हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह हम लोग लिखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच, और अनरियलाइज प्रॉफिट की जगह लिखना पड़ता है ब्रांच एडजस्टमेंट। देखो यही चीज मैंने बताया था, यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार पहला क्वेश्चन बता देंगे तो हो जाएगा। ये देखो ब्रांच स्टॉक डेबिट ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये देखो, और टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो यही वाला एंट्री अभी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो ये एंट्री करना पड़ेगा, तो इसके लिए नेसेसरी लेजर, अच्छा पहले देख लेते हैं, लेजर तो बनाया ही नहीं मैंने, एंट्री स्टार्ट कर दिया। बोला है सो नेसेसरी लेजर, नेसेसरी लेजर बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर। तो इसके लिए हमें नेसेसरी लेजर जब बोल दिया है तो हमें पता है कि टोटल 7 लेजर्स इसका हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 7 लेजर्स बना लेते हैं और एंट्री पढ़ पढ़ के उसको पोस्ट भी करते जाते हैं, ठीक है। तो 7 लेजर्स में क्या क्या बनाएंगे, तो देखो 7 लेजर्स हमें बोला है नेसेसरी, ठीक है। 7 जो है ओवरऑल होता है, क्या इसमें से हम लोग कोई लेजर्स को स्किप कर सकते हैं, हाँ एक लेजर चाहो तो स्किप कर सकते हो, वो है हम लोग का ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है। वो मैंने पहले भी बोला था अगर ब्रांच एक्सपेंस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्यों, देखो ब्रांच एक्सपेंसेस के जगह डायरेक्टली हम लोग उसको पीएल में दिखा देंगे, मतलब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो एक्सपेंसेस था ये सब तो ओवरऑल जाके मेरा पीएल या ट्रेडिंग में क्लोज होने वाला था, पीएल या ब्रांच स्टॉक में, तो ये सब पीएल आइटम था तो पीएल में क्लोज हो गया, तो हम लोग चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, 7 लेजर्स में, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि नेसेसरी बोला है तो वो उतना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन सिखाने के लिए मैंने वो कर दिया, पहले क्वेश्चन में था भी तुम लोगों का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 3A। तो कौन कौन सा लेजर बनेगा, पहले तो ब्रांच स्टॉक, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये नेसेसरी तो है, इसके बिना तो एंट्री नहीं हो सकता है। ब्रांच स्टॉक, ठीक है, इसके बाद ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ये बना लेते हैं एक, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल,
गुड सेम टू ब्रांच ये छोटा सा होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। और ब्रांच एडजस्टमेंट ये भी नेसेसरी है, ब्रांच एडजस्टमेंट। ये सब नेसेसरी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ मैंने ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं किया है, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक लेजर स्किप करना चाहते हो टाइम बचाने के लिए, नेसेसरी लेजर बोल देगा, तो सिर्फ एक्सपेंस अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पीएल में जाके क्लोज होने वाला है। बाकी सारे लेजर हमारे नेसेसरी लेजर में ही आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अभी अभी मैंने तुम लोग को पहले ट्रांजेक्शन का एंट्री बताया था, गुड सेंड टू ब्रांच। तो हम लोग का एंट्री क्या निकल के आया था, हम लोग का एंट्री ऐसे आया था, देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,40,000, टू गुड सेंड टू ब्रांच 2,00,000, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000। यही एंट्री मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया, तो इसका एंट्री यहां पर पोस्ट करेंगे। देखो कहां कहां पोस्ट होगा, देखो कहां पोस्ट होगा, ब्रांच स्टॉक में पोस्ट हो जाएगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ये है 2,00,000 रुपीज से और ये 40,000, ठीक है। अच्छा, क्या ये दो लेजर हमारे पास है, इसमें क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, गुड सेंड टू ब्रांच में बाय ब्रांच स्टॉक। और ब्रांच एडजस्टमेंट में उसमें भी लिखना पड़ेगा बाय ब्रांच स्टॉक, जैसे क्रॉस पोस्टिंग होता है, ठीक है, तो बाय ब्रांच स्टॉक। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31st December एट इनवॉइस प्राइस 2,40,000। तो कितना सेंड हुआ था, 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बोल रहा है कि गुड्स तो भेजा गया था 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, लेकिन जो ब्रांच है उसके पास 31st December, मतलब इनका जो ईयर एंड है, जैन टू दिसंबर वाला है इनका ईयर एंड, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग देखोगे तो पता चलेगा, ईयर एंड में इनको सिर्फ 2,20,000 ही रिसीव हुआ, किसको, ब्रांच को। तो इसका मतलब बाकी 20,000 कहां गया, बोल सकते हो 2,40,000 में अगर मुझे 2,20,000 रिसीव हुआ ऐसा ब्रांच बोल रहा है, तो बाकी 20,000 कहां है, बोलो बाकी 20,000 कहाँ है, बोलो इसको क्या बोल सकते हो, और एक बार बोलो, मैम बाकी 20,000 इन ट्रांजिट होगा, बाकी 20,000 को हम लोग बोल सकते हैं अभी तक आके नहीं पहुंचा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टील इन ट्रांजिट, ठीक है, स्टील इन ट्रांजिट। लेकिन इसमें एक इश्यूज हो रहा है, क्या इश्यूज हो रहा है, अब देखो हेड ऑफिस बोलेगा मैंने तो 2,40,000 का ही भेजा है, लेकिन ब्रांच बोलेगा हम तो रिकॉर्डिंग 2,20,000 का ही करेंगे, जब मेरे पास 2,40,000 आया ही नहीं है तो हम 2,40,000 का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच में ये 20,000 का एडजस्टमेंट कैसे करें, तो ये क्या होगा, दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, हेड ऑफिस और ब्रांच में, लेकिन बड़ा कौन, हेड ऑफिस, ठीक है,
जैसे घर पे भाई बहन होते हैं, झगड़ा होता है तो बड़े को ही ना बोला जाता है कि तुम बड़े हो समझ लो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हेड ऑफिस को बोला जाएगा कि हेड ऑफिस को ही समझना पड़ेगा। हेड ऑफिस बोलेगा रुको मेरा ही तो ब्रांच है, अब उसके साथ झगड़ा करके तो कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ जो है सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो हम एक काम करते हैं एडजस्ट दिखाने के लिए, ब्रांच का स्टॉक तो हम ही मेंटेन कर रहे हैं। ब्रांच बोल रहा है मेरे स्टॉक में 2,40,000 मत दिखाओ, मुझे 2,40,000 नहीं मिला, हम 2,40,000 का रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, मुझे 2,00,000 जो है 20 का ही दिखाओ, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगा, तो यहाँ पर हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा रिटर्न के तरह, मतलब हम लोग 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, 20,000 मतलब ये देखो इसके साथ इसका डिफरेंस 20 नहीं, 2,40,000 के साथ 2,20,000 का जो डिफरेंस वो 20,000, ये देख के भी तुम लोग को लगेगा ये और ये भी तो 20 है, लेकिन इसका हो सकता है सेम अमाउंट है लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस का बात हो रहा है 2,20,000 और 2,40,000 का। तो ये 20,000 को हेड ऑफिस बोल रहा है ठीक है तुम्हारे बुक्स में हम उसको रिटर्न दिखा देंगे, मतलब इसको लिख तो दिया है, आप बोल रहे हैं मत लिखो तो उसको कैसे चेंज करेगा, तो उसको वो क्या करेगा रिवर्स एंट्री कर देगा, ठीक है रिवर्स एंट्री करके चेंज कर देगा, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री कैसे होगा, जैसे जब भेजा तो टू गुड सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट जस्ट उसका ऑपोजिट कर लेगा, यानी बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, और अभी डेटा मत लिखो हम बता देंगे कैसे लिखना है, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ये रिटर्न के तरह इन्होंने एंट्री कर दिया। तो क्या हुआ इनका 2,40,000 के जगह कितना दिखेगा, 2,00,000 दिखना चाहिए, ठीक है 2,40,000 के जगह 2,00,000 दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो बोल रहा है मेरे पास 2,00,000 ही आया। अब देखो यहाँ पर रिटर्न का एंट्री ऐसे ही होता है, दिखा देते हैं क्या एंट्री हुआ रिटर्न का, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड सेंड टू ब्रांच, ये देखो ब्रांच स्टॉक नहीं एक सेकंड ये शायद कुछ और दिखा दिया मैंने, एक मिनट ये क्या था, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, हाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच, टू गुड सेंड टू ब्रांच हो रहा है, एक मिनट ठीक ही हुआ है। देखो यहां से हम बता देते हैं ब्रांच स्टॉक सेम चीज है, देखो ब्रांच यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, अगर मेरा ब्रांच स्टॉक में मुझे क्रेडिट कर मतलब क्या हुआ है डेबिट करके दिखाना है कि मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे, तो ब्रांच स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक जो है यहाँ पर रिटर्न होगा मतलब इसके पास से देखो हेड ऑफ ब्रांच का स्टॉक कम होगा, मुझे ब्रांच का स्टॉक 2,40,000 नहीं दिखाना है, ब्रांच के स्टॉक को मुझे कम करना है तो उसके स्टॉक को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, तो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग लिखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बात है तो उसके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट भी हमारा डेबिट होगा। अब मुझे ये दोनों का वैल्यू टोटल मुझे पता है कितना है, ये दोनों का वैल्यू टोटल मेरा है 20,000 इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस 20,000 को उसका कॉस्ट अलग दिखाना है, उसका इनवॉइस प्राइस यानी अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग दिखाना है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट के एंट्री के लिए ये वाला और जो कॉस्ट है उसके लिए ये वाला, जैसे इधर हुआ था, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पर 2,00,000 जो है ये सॉरी 20,000 जो है ये इसका कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो 20,000 कितने से इक्विवेलेंट है, 120 से, क्यों, देखो हमें बोला था कि अगर कॉस्ट किसी चीज का 100 है तो उसपे कितना प्रॉफिट लगाया जाता है 20%, यानी 20 प्रॉफिट लगा के इनवॉइस प्राइस 120 में सेंड किया जाता है, मतलब ये 20,000 तो इनवॉइस प्राइस है, कैसे पता चला, 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस का स्टॉक भेजा गया था और इन्फॉर्मेशन पता चला कि ओनली 2,00,000 ही रिसीव हुआ 31 December तक, यानी 40,000 का जो है सॉरी 2,20,000 रिसीव हुआ, 2,20,000 रिसीव हुआ, एक बार देख लेते हैं यहां पर 2,20,000 रिसीव हुआ, हाँ
2,20,000 रिसीव हुआ, यानी 20,000 का स्टील इन ट्रांजिट था, जो कि हम लोग का इनवॉइस प्राइस में था, और ये इनवॉइस प्राइस था। तो जब एंट्री करना है तो हमें कॉस्ट का अलग और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अलग करना है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 120 जब इनवॉइस प्राइस है तब कॉस्ट 100 है, तो अगर 20,000 इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड करके भी कर सकते हो, 120 का 100, 1 का हो जाएगा 100 बाई 120, तो 20,000 का कितना हो जाएगा, 100 बाई 120 इंटू 20,000। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 20,000 इज इक्विवेलेंट टू 120, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 120, मतलब इसको इक्विवेलेंट कर दिया कि ये इसके साथ बराबर है, इनटू अगर हम लोग 100 कर देंगे, मतलब वही आ रहा है 100 बाई 120 इंटू 20,000। ठीक है, ये करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट था 20,000 का, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 16,667, ये हम लोग का जो है गुड्स सेंट टू ब्रांच आ गया। ठीक है, अच्छा, और ब्रांच एडजस्टमेंट वो कैसे निकालेंगे, वो भी सेम तरीके से निकल जाएगा। देखो, अगर 100 में प्रॉफिट जो है 20 है, या फिर देखो 120 में प्रॉफिट 20 है, ठीक है, तो फिर 20,000 में कितना प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे, यानी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 20,000 इनवॉइस प्राइस इज इक्विवेलेंट टू 120, तो फिर 20 का वैल्यू कितना होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 120 में 20 प्रॉफिट है, तो 1 में प्रॉफिट कितना होगा, 20 बाई 120, तो 20,000 में कितना हो जाएगा, 20 बाई 120 इंटू 20,000। ठीक है, ये देखो 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, ऐसे करके निकाल सकते, 20 बाई 120, 20 बाई 120 इंटू 20,000, कोई भी एक तरीके से तुम लोग इसे कर सकते हो। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, देखते हैं कितना है, थ्री 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 थ्री, और ये दोनों मिलके 20,000 होना चाहिए, चेक करते हैं, 16,667, अच्छा ये 7, ठीक है, तो ये देखो 20,000.33, वो तो मेरे कैलकुलेटर में 3 था, इसीलिए मैंने तो यहाँ 0.3 लिखा नहीं है, तो ये दोनों मिला के 20,000 हो गया, तो इधर 2,40,000, इधर 20, तो माइनस करके 2,20,000 हो गया, तो एडजस्ट हो गया, जो ये एडजस्टमेंट दिखाना चाहते थे। अब इसका एंट्री हमें क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, गुड सेंट टू ब्रांच में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 20, कितना आया है वैल्यू, ब्रांच स्टॉक आया है 16,667, 16,667 यहां पर, ये लिख दो गुड्स इन ट्रांजिट समझने के लिए, और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट, सिक्सटीन सिक्स सिक्स सेवन, और बाय ब्रांच स्टॉक गुड्स, ये सेंट वाला था, ठीक है, ये गुड्स सेंट वाला था उसका, इसमें भी लिख सकते हो। अच्छा, ये देखो यहां पर ये एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बोल रहा है क्रेडिट सेल फॉर ईयर एट द रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस, क्रेडिट सेल कैसे हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे किया है 1,65,000, तो क्रेडिट सेल होने से क्या होगा, ब्रांच डेटर डेबिट होगा और स्टॉक क्रेडिट होगा, स्टॉक की जगह ब्रांच स्टॉक होता है, ठीक है, तो फिर यहां पर लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर, अभी अभी किया भी था हम लोगों ने ऐसा, बाय ब्रांच डेटर 1,65,000, ब्रांच डेटर में लिखेंगे क्रॉस पोस्टिंग, ब्रांच डेटर में हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 1,65,000 हो गया,
ठीक है। फिर यहां पर बोला है कैश सेल, कैश सेल होगा तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, तो यहां पर हो जाएगा बाई ब्रांच कैश। अच्छा वैल्यू कितना है, वैल्यू है हम लोग का 59,000। अच्छा ब्रांच कैश में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 59,000। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, मतलब जो ब्रांच को इंस्ट्रक्शन था ना कि कैश को उनको हर मंथ में, यहाँ पर बोला था एवरी मंथ जो है उनको डिटेल्स भेजना है। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं, उस क्वेश्चन में था कि हर रोज जो है पैसा वापस कर देना है, जो भी हो, यहाँ पर हर रोज करना है नहीं करना है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ब्रांच ने हेड ऑफिस को 2,22,500 रुपीज रिमबर्स किया है, मतलब सेल करने के बाद जो पैसा है वो तो देना पड़ता है ना, तो यहाँ पर रिमबर्स किया है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो देखो इसका एंट्री क्या होगा, ब्रांच जो है ब्रांच का कैश कम होगा तो ब्रांच कैश क्रेडिट होगा, ब्रांच कैश भेज रहा है तो ब्रांच कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा डेबिट कौन होगा, हेड ऑफिस का कैश, और हेड ऑफिस के कैश को हम लोग सिर्फ कैश लिखते हैं, मतलब एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, तुम लोग यहां पर देखोगे तो मिल जाएगा, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, हम दिखा देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, कैश रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश मिल गया फोर्थ नंबर में, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, वैसे भी अभी भी मैंने याद दिला दिया कैसे करके लिखना है, तो वैसे ही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। अच्छा ब्रांच कैश कहाँ पर है, ब्रांच कैश यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बाई कैश रेमिटेड, रेमिटेड अमाउंट 2,22,500, और कोई कैश अकाउंट हमारे पास है नहीं, मतलब हेड ऑफिस का तो कुछ यहाँ नहीं है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ये ब्रांच का एंट्री कर रहा है, तो इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग और नहीं होगा। अच्छा फिर इसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच का एक्सपेंस है तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश है, और हेड ऑफिस कैश को कैश लिखा जाता है, देखो ब्रांच एक्सपेंस टू क्या हो जाएगा हेड ऑफिस कैश, लेकिन हेड ऑफिस कैश को सिर्फ कैश लिखा जाता है, यानी ब्रांच एक्सपेंसेस में हमें टू कैश लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहां पर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया है, अगर बनाएंगे तो वहां पर टू कैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद का एंट्री क्या होगा, ब्रांच पीएल टू हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंस, हम लोगों ने ब्रांच पीएल और ब्रांच पीएल तो बनाया है, तो ब्रांच पीएल में क्या लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 12,000, ठीक है, ब्रांच पीएल में लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के यहां पर लिख देते हैं टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 12,000, ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो ब्रांच एक्सपेंस बना लो, कोई बात नहीं है, देखो यहां पर अगर चाहो तो ब्रांच एक्सपेंस बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक अकाउंट के लिए और क्यों, तो यहां पर लिख लो टू कैश 12,000, अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर क्लोज जब होगा बाई पीएल बोल के कर देंगे, ब्रांच पीएल हो जाएगा, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, बाकी चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750, तो बैड डेट कहाँ पर दिखाएंगे, डेटर में, ब्रांच डेटर में हमें लिखना पड़ेगा बाई बैड डेट, ये देखो ब्रांच डेटर में हमें लिखना पड़ेगा बाई बैड डेट, सेवन फिफ्टी, और ये बैड डेट कहाँ क्लोज होता है पीएल में, तो पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे टू बैड डेट, टू बैड डेट 750, ये भी एक ऑप्शन होता है लिखने का, ठीक है, ऐसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करा है, दूसरा भी एक ऑप्शन है क्या कर सकते हो, देखो हम वो भी बता देते हैं, इसमें तुम लोग बाई बैड डेट नहीं लिख के इंस्टेड ऑफ बाई बैड डेट इसके जगह तुम लोग ऐसे लिख सकते हो बाई ब्रांच पीएल हाइफ़न देके बैड डेट 750, और ब्रांच पीएल में क्या लिखोगे, फिर ब्रांच पीएल में तुम लोग को लिखना पड़ेगा टू, यहाँ पर टू ब्रांच डेटर
और हाइफन देके बैंक डेबिट ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे लिखते हो तो भी सेम ही बात है, लेकिन एंट्री लिखने का प्रोसेस बदल जाएगा, कंसेप्ट सेम है। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली नाम से लिख सकते हैं टू बैंक डेबिट बाय बैंक डेबिट दोनों साइड, या फिर इधर लिख दिया टू ब्रांच डेटर हाइफन देके बैंक डेबिट, इधर लिख दिया बाय ब्रांच डेटर हाइफन देके बैंक डेबिट, ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो। ये भी हम बता देते हैं कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो बाय ब्रांच पीएल हाइफन देके, यहाँ पर बाय ब्रांच पीएल हाइफन देके बैंक डेबिट, ठीक है। कोई भी एक ही लिखना है, दो तो नहीं लिखना है, हम यहाँ पर इसको ऐसे कवर कर देते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे लिख रहे हो, अगर ऐसे लिखे हो तो कवर करके इधर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर हाइफन देके बैंक डेबिट 750, ये दोनों साइड ना मैंने कवर कर दिया, तो इसे समझ में आएगा। या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है, मतलब अगर तुम लोग कहीं सोल्यूशन देखोगे ऐसे दिख गया फिर सोचोगे ऐसा क्यों है, इसीलिए मैंने बता दिया दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोला है बैलेंसेस। अब देखो ओपनिंग स्टॉक, अब ये दिया हुआ है कॉस्ट में, तो हम लोग कॉस्ट में नहीं लिख सकते, क्वेश्चन तो मेरा इनवॉइस का हो रहा है, मैंने ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो इसे भी मुझे इनवॉइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग कैश इन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो पहले यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, लेकिन लिखेंगे कैसे इनवॉइस प्राइस पे, तो इसको इनवॉइस पे ट्रांसफर कर देंगे। 25,000 है कॉस्ट, इस पे 20% लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही तो हमें बताया है कि 20% अबव द कॉस्ट होता है। 25,000 इंटू 20% प्लस 25,000 30,000, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग को इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, या फिर बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी भी लिखा जा सकता है, जैसा लिखना चाहो। अच्छा क्लोजिंग, अच्छा ये इनवॉइस से ही बताया था तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 28,000। अच्छा, अब इसके बाद ब्रांच डेटर का बैलेंस लिखना पड़ेगा, ब्रांच डेटर का टू बैलेंस बीडी 32,750, और क्लोजिंग है 26,000। अच्छा, इसके बाद कैश का है ओपनिंग है 5,000 और इधर 2,500 टू बैलेंस बीडी 5,000, बाय बैलेंस सीडी 2,500, ठीक है। अच्छा, अब और तो कुछ नहीं लिखना है यहां से, हाँ एक चीज और भी लिखना पड़ेगा, देखो हम बताते हैं ये ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ता है। लास्ट दिन में देखो मैंने ये पॉइंट बताया था, ब्रांच एडजस्टमेंट में हमारा जो क्रॉस पोस्टिंग आएगा गुड्स रिटर्न का या जो स्टॉक भेजा गया उसका इनवॉइस प्राइस तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, साथ ही साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व का बैलेंस हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना था, 25,000 का 20%, 25,000 का 20%, ये था हम लोग का 5,000, तो 5,000 हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, वो हम लोग किधर लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ता है। इसके बारे में मैंने लास्ट दिन बताया भी था, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 25,000 पे 20% 5,000, और क्लोजिंग वाला इधर लिखना पड़ेगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 28,000 था, जो कि 120 के साथ इक्विवेलेंट है, तो मुझे रिजर्व का वैल्यू निकालना है। रिजर्व का मतलब होता है कि जो लोडिंग से स्टॉक भेजा गया है, तो 28,000 इक्विवेलेंट 120 है इनटू 20, तो इसमें आंसर
667, ठीक है, 4667, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो अनलोड मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट है वो इतना है, ठीक है। अगर 28,000 का वैल्यू 120 के बराबर है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिक्वेंस में एक एक चीज को क्लोज करते जाना है। सबसे पहले क्लोज करना पड़ता है ब्रांच स्टॉक को, ये देखो, ब्रांच डेटर को, सबसे पहले ब्रांच डेटर को क्लोज करेंगे। चलो ब्रांच डेटर को क्लोज करते हैं, तो ब्रांच डेटर को क्लोज करने से कितना अमाउंट आ रहा है देखते हैं। इधर ही ज्यादा दिख रहा है मुझे, 1,65,000 प्लस 32,750, तो ये हो गया हम लोग का 1,97,750। इधर भी आ जाएगा 1,97,750 और माइनस करेंगे 26,000 और माइनस करेंगे 750, तो बैलेंस आ रहा है 1,71,000। वो तो हम लिख ही देंगे 1,71,000, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, ये तो मैंने दो बार कैसे लिखा जाता है वो बताया, एक ही 750 एडजस्ट होगा ना। तो यहाँ पर ये जो आया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो डेटर अकाउंट में क्या क्या रहता है, ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस, मतलब हमें डेटर से इतना पैसा रिसीव होगा, इतना इस बार और क्रेडिट सेल कर दिया, मतलब टोटल रिसीवेबल अमाउंट इतना, उसमें से ये बैड डेट हो गया तो इतना नहीं मिलेगा, यानी 1,97,000 मिलेगा, जिसमें से दिख रहा है ओनली 26,000 ही बाकी है, तो फिर 1,71,000 जो आया बाई साइड आया वो तो बाई लिख ही देंगे, लेकिन इसको क्या लिखेंगे ये बताओ, ये किस चीज का बैलेंस आया बोलो, अगर अकाउंट्स हम लोग रीड करते हैं तो इसमें किस चीज का बैलेंस आया, क्या लगता है बोलो, किस चीज का बैलेंस आया, डेटर का सिंपल, हाँ बोलो, ब्रांच कैश में जाएगा, ब्रांच डेटर का अमाउंट, हाँ क्यों जाता है, क्योंकि डेटर का सिंपल दो ही एंट्री होता है, पहला एंट्री होता है डेटर टू सेल, दूसरा एंट्री होता है कैश रिसीप्ट का, कैश टू डेटर, तो यहाँ पर रिसीप्ट का तो कोई एंट्री है नहीं, तो एंट्री होगा बाई ब्रांच कैश, इसीलिए बाई ब्रांच कैश होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो एंट्री बाकी है वो तो रिसिप्ट का ही बाकी है, तो इसीलिए रिसिप्ट अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट है ये कैश रिसिप्ट का है, ठीक है, तो ये क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे हम लोग, कहाँ पर आएगा, ब्रांच कैश में आएगा, क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर 1,71,000, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं कौन सा क्लोज होगा, ब्रांच स्टॉक क्लोज करना है इसके बाद, ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक को क्लोज करेंगे, देखो स्टॉक में क्या क्या अमाउंट आएगा टोटल करते हैं, 16,667 प्लस 3,333, ये तो 20,000 होगा, ठीक है, 1,65,000 प्लस 59,000 प्लस 28,000, 2,72,000 माइनस 2,70,000, तो ये आ रहा है 2,000, ठीक है, इसमें बैलेंस निकल के आ रहा है 2,000, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं, उसका रीजन हम बताते हैं क्यों। अच्छा पहला बात है, यहां पर एक देखो, यहां पर एक जो मैटर आ रहा है वो ये है कि देखो ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, कौन से प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे, ये मेरा जो ब्रांच को गुड्स भेजा गया ये दोनों को मिलाने से उसका इनवॉइस प्राइस है 2,40,000, ये है, ये दोनों मिला के जो स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट है उसका इनवॉइस प्राइस, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ब्रांच के पास पहले 30,000 का स्टॉक था, अब 2,40,000 भेजा था, लेकिन 20,000 अभी भी इन ट्रांजिट में है, मतलब ब्रांच के पास 30,000 का स्टॉक है प्लस 2,20,000 का स्टॉक है, ये जो मैंने रेड रेट से कवर किया इससे यही पता चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने इतना स्टॉक जो है बेच दिया है, और कैसे बेचा है बोल रहा है, ये भी इनवॉइस प्राइस में बेचा है, ऐसा हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला है सेल एट इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस में भेजा गया है, ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी इनवॉइस प्राइस में, तो अगर एक अकाउंट का देखो, एक अकाउंट का यहाँ भी इनवॉइस प्राइस, यहाँ भी इनवॉइस प्राइस, ये क्या है टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, ये जो मिलके हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है
50,000 ये टोटल स्टॉक अवेलेबल एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने इतना इनवॉइस का गुड्स बेच दिया, इतने इनवॉइस प्राइस में ही बेचा है, इनवॉइस प्राइस में, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में 28,000 रह रहा है। तो देखो अगर मेरा 2,50,000 का मेरे पास स्टॉक था जिसमें से मैंने 1,65,000 का स्टॉक बेचा, ठीक है, और उसके बाद मैंने 59,000 का स्टॉक बेचा दोनों इनवॉइस प्राइस में, मेरे पास कितना स्टॉक बचना चाहिए, 26,000 का स्टॉक बचना चाहिए, लेकिन दिख रहा है कि 28,000। ये हम क्यों बोल रहे हैं बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी तो अगर इनवॉइस प्राइस में है तो बैलेंस तो होना ही चाहिए। जैसे मेरा ट्रेडिंग क्यों बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में रहता है, परचेज भी मेरा कॉस्ट में रहता है, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो भी मेरा कॉस्ट में रहता है, सिर्फ जो मेरा सेल्स है वो सेल वैल्यू में रहता है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, और वही प्रॉफिट हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा सारा डेटा इनवॉइस प्राइस में है तो मेरा बैलेंस तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मेरा बैलेंस क्यों आ रहा है, मेरा बैलेंस इसीलिए आ रहा है, भले ही हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन रहा होगा इनवॉइस प्राइस में बेचो, लेकिन इन्होंने अबव द इनवॉइस प्राइस जरूर बेचा होगा तभी ये आ रहा है, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर बोल दिया है कि इनवॉइस प्राइस, लेकिन ये ना एक्चुअली इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को लॉजिक से पता चलेगा। हम लोगों ने देखा कि ये इनवॉइस प्राइस है टोटल, ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, तो मेरा तो टैली हो जाना चाहिए। मेरे पास 100 रुपए का चीज था, मैंने इस 100 रुपए की चीज में से 20 रुपए का चीज 20 रुपए में ही बेचा और 80 रुपीज का मेरा स्टॉक बच गया, तो मेरा तो दोनों साइड बैलेंस ही होगा। मान लो ये भी मेरा इनवॉइस प्राइस, ये भी मेरा इनवॉइस प्राइस, ये भी मेरा इनवॉइस प्राइस, तो मेरा तो कुछ प्रॉफिट लॉस दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 2,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूर ब्रांच ने उससे ज्यादा में सेल किया होगा। जैसे कि देखो हम और एक बार समझा देते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हेड ऑफिस ने 100 रुपीज का स्टॉक जो है 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के 120 में ब्रांच को दे दिया, ठीक है, और ब्रांच ने उसे सेल कर दिया सपोज 122 में, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस को पता चले, सॉरी हेड ऑफिस को अगर कैलकुलेट करने बोला जाए कि बोलो प्रॉफिट कितना है, तो हेड ऑफिस प्रॉफिट कितना बताएगा, और ब्रांच को अगर पूछे प्रॉफिट कितना है तो ब्रांच कितना बताएगा, बोलो। ऐसे सिचुएशन में हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है, ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, बोलो। अगर 100 रुपए का चीज 120, देखो हेड ऑफिस को क्या दिख रहा है कि मेरा 100 का चीज 120 में सेल हुआ, लेकिन ब्रांच को क्या दिख रहा है, 120 का चीज 122 में सेल हुआ, तो मुझे बोलो कि हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है। मैंने बोल ही दिया, जस्ट तुम लोग अमाउंट बोलो, हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है, बोलो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है। मैंने तो बता ही दिया कि अगर हेड ऑफिस को दिख रहा है कि उसका 100 का चीज 122 है ना, और ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, बोलो, ठीक है, ब्रांच का प्रॉफिट है 2। तो यहाँ पर देखो अगर ब्रांच को बोला जाता है इनवॉइस, उसका तो इनवॉइस प्राइस ही है, अगर ब्रांच को बोला जाता है कि 120 में ही बेच दो, तो ब्रांच अकाउंट में थोड़ी ना कोई प्रॉफिट दिखता, हेड ऑफिस के अकाउंट में जरूर दिख सकता था, लेकिन ब्रांच के अकाउंट में नहीं दिखेगा। यानी अगर हम लोग ब्रांच स्टॉक इसका छोटा सा बनाते हैं तो यहाँ पर होगा 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 100 टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के, यहाँ पर हो जाएगा कितना, सॉरी 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे बाई ब्रांच कैश, मान लो कैश सेल है 122, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रुपीज का क्या निकल के आएगा, ब्रांच पीएल बोल के ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है अगर अबव द आईपी बेचा जाता है, तो फिर यहाँ पर अबव द आईपी ही है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ तो ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, वही इसका प्रूफ है, ठीक है, हमें कहीं नहीं इंफॉर्मेशन अलग से दिया है। हम लोग को तो बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन है कि इनवॉइस प्राइस में ही बेचने का, लेकिन नहीं बिका है, गारंटी नहीं बिका है, अगर इनवॉइस प्राइस ही होता तो ये टैली ना हो जाता, सारा चीज तो लिखा हुआ है। तो अगर ये मेरा
जो 2000 रुपीज है. अब सोचो कि यहाँ पर जो मैंने 2 रुपीज दिखाया, एक्चुअली बिजनेस का इनकम तो 2 नहीं है, 22 है. क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, मतलब मेन बिजनेस जो हेड ऑफिस है उसको तो पता है वो 22 है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा 2 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, या ये फिर ये बोलेगा कि 2 रुपीज मेरा क्या है, इसको लिखना पड़ता है. एक्चुअली हम लोग इसको ब्रांच पीएल नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये ब्रांच पीएल नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट है 22, तो मुझे इसको क्या करना है, 22 में लेके जाना है. तो फिर इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, तो इसको हम लोग ना एडजस्ट कर देंगे वो वाला अकाउंट जिस अकाउंट में हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ब्रांच एडजस्टमेंट, वहां सेंड करके इसे एडजस्ट करेंगे. तो देखो कैसे होगा, इसको लिखना पड़ेगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर. ये कभी भी हम लोग प्रॉफिट बोल के नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं, ये सिर्फ ब्रांच के नजरिए से प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट इससे काफी ज्यादा होगा. ठीक है, मतलब अब कितना ज्यादा होगा, जो भी हो इससे तो ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा हो कम हो, मतलब कितना ज्यादा होगा वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा तो होगा. तो ये ब्रांच स्टॉक में हम लोग ऐसे लिखेंगे. अच्छा, अगर हमारा दोनों साइड मैच हो जाता, कोई बैलेंस नहीं आता, तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस पे ही बिका है, इसीलिए कोई बैलेंस नहीं आएगा. अब ब्रांच एडजस्टमेंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है बाय ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक. ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक बोल के 2000. ठीक है, ये लिख दिया. अच्छा, तो पहला हम लोग का ब्रांच स्टॉक क्लोज, डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक क्लोज हो गया. अब ब्रांच कैश क्लोज करना पड़ता है. क्या ब्रांच कैश था? हाँ, ब्रांच कैश तो है, चलो क्लोज कर लो. ब्रांच कैश को क्लोज करते हैं, तो ब्रांच कैश यहां पर कितना है, ये इधर ही ज्यादा दिख रहा है, तीनों का टोटल 59 + 5 कितना हो गया, 64 + 171 मतलब 2,35,000. 2,35,000 -2,500 - 2,225,000 तो ये हो गया 2,20,000. ये कुछ ज्यादा आ रहा है, 2,35,000 -2,22,500 -2,500, हाँ 10,000 आ रहा. इसको क्या लिखेंगे, तो देखो ब्रांच कैश का इधर बाई साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब कैश क्रेडिट होगा. सोच के देखो, अगर मेरा यहाँ पर जो भी एंट्री आए, समथिंग डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच कैश क्रेडिट हो रहा है. अच्छा, ब्रांच का कैश कब क्रेडिट होता है? देखो, ब्रांच का कैश क्रेडिट एक रीजन से होगा जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया. ब्रांच को इंस्ट्रक्शन था कि ब्रांच एक्सपेंसेस पार्टली पेड फ्रॉम हेड ऑफिस पार्टली बाय द ब्रांच. ब्रांच अपना कुछ खर्चा खुद भी पे करता है. तो हम लोगों ने ब्रांच कैश में क्या क्या दिखाया था, कि ब्रांच के पास कितना कैश था, अभी कितना कैश है, ब्रांच ने कितना, यहाँ पर जो टू ब्रांच स्टॉक आया 59,000, ये हम लोग का क्या आया था, ये हम लोग का आया था कैश सेल. ब्रांच को कैश सेल करके ये मिला, ये देखो कैश सेल करके मिला है 59,000. ठीक है, तो ब्रांच के पास इतना पैसा था, इतना और आ गया. और ये है ब्रांच डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर. ठीक है, डेटर से इतना कलेक्शन हुआ. अगर चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो, डेटर से मतलब ब्रांच के पास टोटल इतना कैश है, उसमें से ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना सेंड कर दिया. ठीक है, तो 10,000 फिर क्या किया, खुद का खर्चा पे किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ब्रांच खुद का खर्चा खुद भी पे करता है, कुछ हिस्से का, आधा हिस्से का. तो अगर ब्रांच खुद का खर्चा खुद पे करता है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय ब्रांच, ऐसे करके बाय ब्रांच कैश. ठीक है, बाय ब्रांच, सॉरी बाय ब्रांच एक्सपेंस, सॉरी बाय ब्रांच एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर. अगर एक्सपेंस अकाउंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने एक्सपेंस अकाउंट दिखा दिया है, तुम लोग एक्सपेंस अकाउंट दिखा सकते हो. यहाँ पर अगर नहीं दिखाना चाहते तो डायरेक्टली लिखना चाहिए था ब्रांच पीएल. अब क्योंकि मैंने एक्सपेंस तुम लोग को करवा दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच कैश, कितना हो जाएगा 10,000. ठीक है, 10,000 हो गया. अच्छा, अब हम लोग का कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए, ब्रांच कैश के बाद हम लोग का क्लोज होना चाहिए ब्रांच एडजस्टमेंट. चलो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाते हैं. अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे. यहां पर है हम लोग का टोटल करने पे
40,000 और ये हो गया 47,000। ये दोनों मिला के 16,667 प्लस 4,667 माइनस 47,000 25,000 नहीं, यहाँ मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया क्या, एक सेकेंड, 5,000 ये ठीक लिखा है मैंने, 5,000, 40,000, 2,000 और ये वाला 4,667, ये 16,667 कौन सा लिख दिया है मैंने, ये तो गुड सेम टू ब्रांच था, ये 333 होगा, सॉरी ये वाला अमाउंट होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में 333 जाएगा, मैंने गलती से ना यहाँ यहाँ दोनों सेम अमाउंट लिख दिया है बाई चांस, ठीक है, ये वाला 3333 था, ठीक है, ये गलत अमाउंट लिख दिया था, 3333, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 47,000 माइनस 4,667 माइनस 3333, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आ गया 39,000, ठीक है। अच्छा, इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टू साइड है तो टू तो लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या, देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा कि अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग में कितना था, हम लोगों ने जो अभी करेंटली गुड सेंट किया था उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था, ठीक है, और ये हम लोगों का अभी जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट था वहां से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 47,000 हो रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें से हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट का 333 है, तो उतना हमें कम कर देना चाहिए, मतलब 40,000 से ये कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में ये भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इतना अनरियलाइज टोटल इतना था, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से ये अभी भी रियलाइज नहीं है, ठीक है, ये दोनों अभी भी रियलाइज नहीं है, लेकिन बाकी रियलाइज्ड हो गया, मतलब बाकी का हमारा सेल हुआ है, सेल के अगेंस्ट में जितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ये प्रॉफिट हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, यही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम लोग ब्रांच पीएल में लिखते हैं, तो टू ब्रांच पीएल हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, हम फिर से बताते हैं, देखो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व था, मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें इनवॉइस प्राइस लगा हुआ है, मतलब लोडिंग लगा हुआ है, वो लोडिंग का पैसा रिकवर नहीं हुआ, अभी करेंटली जो गुड सेंड किया उसमें इतना लोडिंग लगाया वो भी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन उसमें से इन ट्रांजिट का इतना है, मतलब ये 40,000 में से 3333 लेस होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअली लेस करके दिखाते हैं, और ओपनिंग स्टॉक का इतना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इतना है, मतलब इतने का स्टॉक नहीं बिका, इतना प्रॉफिट अभी भी हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो अभी रियलाइज कितना कर पाए हैं, 2,000 ये कर पाए हैं, और ये देखो टोटल 47,000 इधर आ रहा है, और इतना हम लोग अभी भी अनरियलाइज कर रखे हैं, मतलब रियलाइज कितना हो गया, रियलाइज हो गया हम लोग का 39,000, देखो इधर भी अनरियलाइज, इधर भी अनरियलाइज, लेकिन 47 और इधर कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के जितना हो रहा है वो 39,000 कम हो रहा है, मतलब 39,000 रियलाइज हो गया, कैसे रियलाइज होगा, सेल करके, तो सेल करके जो प्रॉफिट मिलता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, वो कहां ट्रांसफर होगा, ब्रांच पीएल में, तो ब्रांच पीएल में हमें लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, ब्रांच एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज कर लेते, इधर है ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ये हो गया 22,000, इधर लिख लेंगे बाई ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंसेस में, ब्रांच पीएल में टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच एक्सपेंस 22,000, ठीक है, और अगर हम लोग ब्रांच एक्सपेंस नहीं बनाते तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखना पड़ता, अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, इसके बाद ब्रांच पीएल ही क्लोज होगा, ठीक है, उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच पीएल को क्लोज कर लो, तो 39,000 माइनस 22 माइनस 12 माइनस 750 गलत क्यों जा रहा है, 39,000 माइनस 12,000 माइनस 750 और माइनस, अच्छा हाँ ये देखो
ब्रांच एक्सपेंस बोल के मैंने ऑलरेडी ये 12,000 ना यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने क्योंकि यहाँ पर दिखाया है, मतलब देखो क्या हुआ, मैंने जब यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश लिखा तो यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के लिखा था, और टू ब्रांच कैश बोल के जो ये 10,000 आया, तो ये बाई ब्रांच पीएल बोल के मैंने टोटल 22,000 क्लोज किया है, तो इसको और इंडिविजुअली लिखने का फिर जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को एक ही साथ क्लोज कर दिया, नहीं तो दो बार चार्ज हो जा रहा है ना, इसीलिए गलत आंसर आ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर 10,000 ऑन लेस होगा, मतलब तुम लोग इसको करके देख लो 16,250 आएगा, ठीक है। वो मैंने इंडिविजुअली लिखा था, अगर इंडिविजुअली लिखेंगे तो फिर 10,000 और 12,000 लिखना पड़ेगा, और टोटल में लिख दिया तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 22,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीएल नेट प्रॉफिट 16,250, ब्रांच पीएल बन गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा बनाना होता है, गुड सेंड टू ब्रांच को क्लोज करना होता है, बाकी तो सब हम लोग का क्लोज हो ही गया, ये क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज हो गया, और उधर ब्रांच एक्सपेंसेस भी क्लोज हो चुका है। गुड सेंड टू ब्रांच को क्या लिखना है, गुड सेंड टू ब्रांच में देखो हम लोगों ने इतना स्टॉक जो है सेंड किया था, मतलब हेड ऑफिस ने, जिसमें से हेड ऑफिस ने इतना बता दिया है कि स्टिल इन ट्रांजिट है, तो बचा कितना 18,333, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू, क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखना पड़ेगा, ये एक्चुअली जो है गुड सेंड टू ब्रांच जो है, ये यहाँ पर देखो ब्रांच क्या करेगा अपने मतलब हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को इतना स्टॉक भेजा था, इतना स्टील इन ट्रांजिट है, मतलब उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें इतना जो है स्टॉक मतलब क्रेडिट करेगा। देखो ये गुड सेंड टू ब्रांच है, ठीक है, ये देखो ये गुड सेंड टू ब्रांच है, गुड सेंड टू ब्रांच मतलब देखो गुड सेंड टू ब्रांच कौन सा वाला अकाउंट को बोला जाता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, गुड सेंड टू ब्रांच का मतलब हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट को ही गुड सेंड टू ब्रांच बोला जाता है। तो हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग मतलब देखो वो जब स्टॉक ट्रांसफर करता है तब वो लिखता है गुड सेंड टू ब्रांच, लेकिन हेड ऑफिस का तो अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट जरूर रहा होगा जहां पर उसने ऐसे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लिखा होगा, और इसमें से जो स्टॉक उसने ब्रांच को भेजा होगा उसमें लिखा होगा बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ऐसे लिखना पड़ता है उसको, ठीक है, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, और जो अपने आप अपने जगह पे बैठ के बेचा होगा उसको बाई सेल लिखा होगा। तो ये एंट्री क्या हुआ, गुड सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग, ये वही वाला है जितना स्टॉक जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच में भेजा, तो ये गुड सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग वाला एंट्री है, मतलब ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि सॉरी हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों आए, क्योंकि उसने 183,333 रुपीज का स्टॉक कॉस्ट वाला स्टॉक जो है वो ब्रांच में भेजा था, इसीलिए ये ट्रेडिंग हुआ। ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि मैंने तो बोला था ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखना है, उसके जगह गुड्स इनटू ब्रांच लिखना है, बिल्कुल, लेकिन वो तब लिखना है जब ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का, ये ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये हेड ऑफिस बोल रहा है कि मैंने इतने का स्टॉक भेजा ब्रांच को, इसीलिए ब्रांच स्टॉक, मैंने उससे इतना रिटर्न मतलब इतना गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसका रिवर्स एंट्री दे दिया, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट सेल करने के वजह से खाली हो सकता है और ब्रांच को भेजने के वजह से खाली हो सकता है, तो ब्रांच को भेजने के वजह से कितना खाली हुआ है, 183,333 इतने से खाली हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के क्लोज करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज होगा। यहाँ पर मेन तुम लोग को यही सारा चीज समझना होगा कि कैसे क्लोज हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेंस नहीं बनाते तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते थे टू ब्रांच, ये देखो टू ब्रांच एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो इसके जगह तुम लोग लिख सकते थे टू कैश टू ब्रांच कैश बोल के, मतलब पीएल में कैसे लिखते, देखो ये भी हम बता देते हैं, अगर बाय चांस तुम लोग ब्रांच कैश नहीं बनाते तो ब्रांच पीएल में तुम लोग को क्या लिखना पड़ता, देखो तब तुम लोग ऐसे लिखते, हम इसको भी ना ऐसे ब्रैकेट में लिख के दिखा देते, ऐसे लिखते टू ब्रांच एक्सपेंस 12,000, ठीक है, और टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश 10,000, ये दोनों चीज लिखना पड़ता, ठीक है, ऐसे करके तुम लोग को यहाँ डायरेक्टली लिखना पड़ता तो भी 22,000 ही आता, आंसर ये आता, लेकिन क्योंकि ये चीज ब्रांच एक्सपेंसेस में हम लोगों ने लिख दिया है टू ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच कैश,
तो इसीलिए ये यहाँ पर जो है हम लोग का बाई ब्रांच पीएल बोल के क्लोज हुआ, तो ये टोटल में इधर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि हम लोग और ब्रांच एक्सपेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तब ये ऐसे करके एंट्री नहीं आता, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल ऐसे करके एंट्री आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक अडॉप्ट कर सकते हो, ब्रांच एक्सपेंस नहीं भी बनाओगे चलेगा। और हाँ ये मेन है, ये याद रखना है कि अगर टैली हो गया तो मोर देन इनवॉइस प्राइस पे सेल नहीं हुआ, और अगर टैली नहीं हुआ तो मोर देन इनवॉइस प्राइस पे सेल हुआ, ठीक है। और ये सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे करके क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेन चीज याद रखना है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, दिखाते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन। ये सब नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो अभी हम बोलेंगे वही करने से कर पाएंगे हम लोग। ये देखो इलास्ट्रेशन 6, ये वाला क्वेश्चन वही इनवॉइस प्राइस जैसा ही है, ठीक है। हमें बोला है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है अलग, देखो बोल रहा है स्टॉक डेटर मेथड, मतलब जो मेथड हम लोग कर रहे हैं उसी मेथड से हमें क्वेश्चन करने बोला है, बट यहाँ पर बोल दिया है ब्रांच अकाउंट। एक्चुअली स्टॉक डेटर मेथड में ना ब्रांच अकाउंट नहीं होता है, ब्रांच स्टॉक होता है, ठीक है। वो लिखने का तरीका उनका गलत हो गया थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें मेथड तो बता ही दिया है ना। देखो मेथड क्या बोला है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और स्टॉक एंड डेटर मेथड से हम लोगों का कितना सारा लेजर बनता है, आज ही हम लोगों ने सीखा, 7 लेजर्स बनता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। और जो डेटर मेथड होता है वहां पर हम लोग ब्रांच अकाउंट लिखते हैं, डेटर मेथड में हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज थोड़ा डिस्टर्ब है, छोड़ो इससे कोई लेना देना नहीं हमें। इलास्ट्रेशन 6 जो है ये हम तुम लोग को होमवर्क में देते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 ये तुम लोग ट्राई करना, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया ना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दो ही किया आज हम लोगों ने। इलास्ट्रेशन 6 जो है हम लोग का देखते हैं कौन से मेथड से दिया है यहाँ पर। हाँ ये देखो इनवॉइस प्राइस पे दिया है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें बैड डेट प्रिंट रेट्स दे दिया है। तो फिर अभी तो मैंने बताया भी था बैड डेट प्रिंट रेट्स कहाँ पर ट्रीट करना है, पीएल में ट्रीट करना है। ये देखो ये डेटर में जाएगा, ये पीएल में जाएगा, ये भी पीएल में जाएगा, ये भी पीएल में जाएगा, मतलब ब्रांच पीएल में जाएगा। और ऐसे करके हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, बोला है सिर्फ ब्रांच अकाउंट नहीं, हम लोग अपना जो 7 लेजर से वही बनाएंगे, तुम लोग ब्रांच एक्सपेंसेस भी बना लेना, 7 लेजर से कर सकते हो। और एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 वो भी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट में है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा मतलब देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है। देखो ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस एंड आल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये ट्रेडिंग एंड पीएल बोल दिया है, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। तो यही वाला हम एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करने से एग्जाम में डायरेक्ट करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जो है ये 6 हम होमवर्क देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इससे स्पीड में करेंगे, आज पहला वाला था तो थोड़ा थोड़ा मैंने धीरे ही करवा दी, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम, ठीक है, बाय।